हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अपनी यूनिट 11 चल रही है अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, जिस अल्कोहल्स से फिनोल पैलर पढ़ रहे हैं बेटा, तो ईथर्स अलग तो डिस्कस करांगे। ओके, हुण आपां की टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, अल्कोहल्स से फिनोल्स के मैथड्स ऑफ प्रैपरेशन, इन्हां दी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड अपनियां अल्कोहल्स दी कैमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो अज आपां स्टार्ट करन जा रहे हैं कैमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स, कैमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स बहुत इंपॉर्टेंट ने बेटा, कैमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल भी इस विच बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं तुम्हें दस दा कि फिनोल का जो फॉर्मूला हुंदा रजे, दैट इज बेंजीन रिंग के उपर केड़ा ग्रुप हुंदा, ओ एच ग्रुप। बेंजीन रिंग उपर अगर ओ एच ग्रुप लगे हो कह देने हुंदे आ फिनोल कह देने आ। क्लीयर, तो हुण फिनोल दीआं पहलां आपां इन्हां दी कैमिकल प्रॉपर्टीज नूं इसके डिफरेंट पार्ट्स दे विच डिवाइड करदे आ। इहदे विच बेसिकली इट हैज द थ्री टाइप्स हुंदियां ने कैमिकल प्रॉपर्टीज दीआं। सब तो पहले आपां ओ वालियां कैमिकल प्रॉपर्टीज करांगे जिस दे विच अपने कोले जो फिनोलिक ग्रुप हुंदा ओ एच ग्रुप, इस दीआं प्रॉपर्टीज पढ़ांगे ओ एच ग्रुप दीआं। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी दे विच केड़ियां कैमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने ने, रिएक्शंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप। तो फिनोलिक ग्रुप दी आपां रिएक्शंस पढ़नियां ने। ठीक है, उस तो बाद सैकेंड कैटेगरी दी जिहड़ी अपने कोल रिएक्शंस होणगीआं ओह होणगे बेटा बेंजीनिंग दीआं। देखो ये फर्स्ट कैटेगरी दीआं ने, ये अपने कोल सैकेंड कैटेगरी दीआं होणगीआं। ठीक है, सैकेंड कैटेगरी दीआं किहड़ियां होणगीआं, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग। ओके, ते थर्ड कैटेगरी दे जिहड़ियां रिएक्शंस होणगीआं ओह मतलब बेंजीन रिंग ते ओ एच ग्रुप दोवां दीआं होणगीआं, जिन्हां नूं आपां की कह देने हुंदे आ स्पैशल रिएक्शंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट ने स्पैशल रिएक्शंस, वाकई स्पैशल ने बेटा ये रिएक्शंस दे दे विच बहुत बारी क्वेश्चन आ जाता हुंदा। ठीक है, तो आपां हुण वन बाय वन इन्हां नूं डिस्कस करन जा रहे हैं जी। सब तो पहली कैटेगरी दे रिएक्शंस किहड़ियां करांगे आपां, रिएक्शंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप। क्लीयर, तो हुण देखो रिएक्शंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप दे विच बेटा आपां फर्स्ट ऑफ ऑल पहला तो उन्हें पता होना चाहिए कि फिनोलिक ग्रुप किनू कहा जाता, बेंजीन रिंग के उपर अगर ओ एच ग्रुप लग रहा होवे आप ओ एच हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या फिर फिनोल के उपर लग रहा तो इन्हें फिनोलिक ग्रुप कह दें। ठीक है, हुण आपां इसकी रिएक्शन करवानी है किसी भी मैटल के नाल। सपोज आपां सोडियम के मैटल के नाल इन्हूं रिएक्ट करवाया, तो इतों दो जिहड़े एच ने ये रिलीज हो जाएंगे, इहदी जगह ते सोडियम जाके सबस्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को प्रोडक्ट्स की बन के आएंगे बेटा, बेंजीन रिंग के उपर ओ एच रिप्लेस हो जाता सोडियम के नाल। ठीक है, तो इतने अपने को बन के आ जाना सोडियम फिनोक्साइड। तो ये बेसिस उत्ते ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन बन के आता होगा रजे। ठीक है, काफ़ी बार आ चुके एग्जाम के क्वेश्चन की आता रजे, आउट ऑफ फिनोल एंड एल्कोहल विच इज द स्ट्रोंग एसिड। ये शायद तुम्हें याद हो, मैं तुम्हें पहला भी क्वेश्चन करवाया सीगा, आपने अल्कोहल दे वाटर का डिस्कस किया सीगा बेटा इत्थे। ठीक है, तो हुण आपां फिनोल ते अल्कोहल दा एसिडिक करैक्टर डिस्कस करांगे, विच इज द स्ट्रोंग एसिड। ठीक है, तो हुण देखो एक साइड ते फिनोल ते एक साइड ते अल्कोहल, इन्हां दोनों का कंपैरिजन करना है कि अल्कोहल ते फिनोल दे विच स्ट्रोंग एसिड केड़ा। ये अपने कोल की है राजे, फिनोल दी स्ट्रक्चर सब नूं पता होनी चाहिए आ, अल्कोहल दा फॉर्मूला की हुंदा, जनरल आर ओ एच। ओके, तो इस केस दे विच की होगा कि इतों बॉन्ड ब्रेक होया, इन्हें की रिलीज कर देना एच पॉजिटिव आयन रिलीज करते, ऑक्सीजन के उपर केड़ा चार्ज आ गया नैगेटिव, प्लस इस साइड के उत्ते की आ गया एच पॉजिटिव। ठीक है, अगेन इस साइड के उत्ते भी की होया बेटा आर ऑक्सीजन, अगर ए एच पॉजिटिव रिलीज कर दूगा तो अल्कोक्साइड बन जाना, प्लस एच पॉजिटिव इतने भी रिलीज हो जाना। ठीक है, तो एक बन गया फिनोक्साइड आयन, तो एक बन गया अल्कोक्साइड आयन। हुण दोवां ने एच पॉजिटिव रिलीज किए ने, इहदा मतलब दोवें की ने इह स्ट्रोंग एसिड। ओके, तो देखो रोजी इस विच एच पॉजिटिव रिलीज होने तो बाद अपने कोल की बन के आ गया है फिनोक्साइड आयन। ठीक है, तो ए की बन के आ गया अपने कोल एल्कोक्साइड आयन। क्लीयर है,
फिर हुण देखो आपां इह चैक करना कि दोवें एच पॉजिटिव रिलीज कर देणगे, इहदा मतलब दोवें की होए एसिड होए। ठीक है, हुण आपां इह चीज चैक करनी है रजे कि किहड़ा जल्दी एच पॉजिटिव रिलीज कर दूगा, जां फिर एच पॉजिटिव रिलीज करन तों बाद जिहड़ा ज्यादा स्टेबल होगा उही की होना स्ट्रोंग एसिड होना। ठीक है, तो हुण देखो आपां दोवें केस लैके चलांगे। इत्थे आपां सब तों पहला केस लैके चलदे हां कि जदों एच पॉजिटिव रिलीज नहीं होया, तो उस केस दे विच की होगा कि अपने कोले इह एच पॉजिटिव रिलीज नहीं होया तां ओ एच आ। ठीक है, अगर ये एच पॉजिटिव रिलीज कर दिंदा, ठीक है, एच पॉजिटिव रिलीज करन तों बाद इत्थे अपने कोले ऑक्सीजन उत्ते नैगेटिव चार्ज दे एच पॉजिटिव बन के आ जाणा। ठीक है राजे, ये बन के आ गया अपने कोल फिनोक्साइड आयन। हुण देखदे हां आपां एच पॉजिटिव रिलीज करन तों बाद इस केस दे विच ऑक्सीजन उपर नैगेटिव चार्ज, ते आपां इत्थे रजे बॉन्ड इहदे शो करदे आं तां जो आपां शो कर सकीए कि जिहड़ा नैगेटिव चार्ज आ ऑक्सीजन दे उपर ओह किन्ना क स्टेबलाइज हो रहा। हुण जिहड़ा इह नैगेटिव चार्ज आ इह रजे अगे जाके रिंग दे अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जूगा। ठीक है, ते इह वाले जिहड़े पाई इलैक्ट्रॉन्स ने अगे की हो जाणगे, शिफ्ट हो जाणगे। तां आपणे कोल जिहड़ी नैक्सट स्ट्रक्चर बन के आणी आ इस केस दे विच ऑक्सीजन दा बन जाणा डबल बॉन्ड, क्लीयर। ते इह जिहड़ा नैगेटिव चार्ज आगा इस दा इह कार्बन दे उत्ते कलैक्ट हो जाना, बाकी दो बॉन्ड ने जिहड़े ओह एसच पए ने, क्लीयर। उस तों बाद नैक्सट हुण की होना कि जिहड़ा इह नैगेटिव चार्ज आ अगे इह बॉन्ड बन जाना इत्थे, बट इह वाले जिहड़े बॉन्ड आ इस दा की बन जाना नैगेटिव चार्ज, क्लीयर स्टूडेंट्स। तां इस तरह करदे करदे जिहड़ा नैगेटिव चार्ज आ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स दे उत्ते डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। जिन्ना ज़्यादा नैगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उन्नी ज़्यादा वह जिहड़ी स्ट्रक्चर हुंदी आ स्टेबल हुंदी आ, क्लीयर बेटा। तां जिहड़ियां अपने कोल इह स्ट्रक्चर्स बन के आ रहियां ने इन्हां स्ट्रक्चर्स नूं कहा जाता रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਉਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨੋਲ ਆ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਓਨਾ ਜਲਦੀ ਉਹ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨੋਲ ਆ ਇਸਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਐਲਕੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨਸ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਲਕੋਹਲ ਆ, ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਰ ਓ ਐਚ। ਤੇ ਇਸਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਆਰ ਓ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੱਸ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ। ਬਟ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣ ਕੇ ਆਣਗੀਆਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਰ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਐਚ ਥ੍ਰੀ ਫਿਲ ਕਰ ਦਈਏ ਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਜੇ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਆਣੀ, ਕਲੀਅਰ। ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਨੇ, ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਲਟਰਨੇਟ ਡਬਲ ਸਿੰਗਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਫਿਨੋਲ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮੋਰ ਐਸਿਡ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਮੋਰ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਵੀਕ ਐਸਿਡ ਹੋਊਗਾ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਫਿਨੋਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਐਨੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਜਾਂ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਐਨੀ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬੇਟਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਫਿਨੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਊਟ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਊਟ ਆਫ ਫਿਨੋਲ ਐਂਡ ਐਲਕੋਹਲ, ਆਊਟ ਆਫ ਫਿਨੋਲ ਐਂਡ ਐਲਕੋਹਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ? ਐਸਿਡਿਕ ਕਰੈਕਟਰ, ਇਸਦਾ ਵੀ ਐਸਿਡਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਨੋਲ ਤੇ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵੀ ਐਸਿਡਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੋਪਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਜੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਲਕੋਹਲ ਆ,
एक की है वाटर ठीक है ते एक की अपने को फिनोल आ ठीक है इन्हों तिना दे विचों स्ट्रोंग एसिड केड़ा ते क्यों आ क्लीयर है राजे ठीक है जा फिर इन्हू सीकुएंस दे विच अरेंज करना विच इज द स्ट्रोंग एसिड दैन वीक एसिड दैन उस तो वीक एसिड केड़ा तिना दे विचों ठीक है राजे तुसी कमेंट सैक्शन दे विच लिख के दस सकते हो मैनू ओके फिर उस तो बाद हुण आपां थोड़ा जिहा होर इस नूं एडवांस लैवल ते लैके चलदे आ कि फिनोल तां ठीक आपां नूं समझ लग गया वी इह स्ट्रोंग एसिड आ ठीक है कई बार इस दा क्वेश्चन आ जांदा हुंदा फिनोल दा ही कंपैरिजन फिनोल दे नाल बट नाल कुछ सबस्टिट्यूएंट्स लगा दिंदे ने ठीक है तां आपां नैक्सट क्वेश्चन करन जा रहे हां काफी इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे विच वी बहुत क्वेश्चंस पुछे जांदे ने इदां दे बेटा इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिक करैक्टर ऑफ फिनोल इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिक करैक्टर ऑफ फिनोल एसिडिक करैक्टर ऑफ फिनोल हुण देखो राजी बहुत सारे सबस्टिट्यूएंट्स होंदे ने तां पहले मैं तुहानूं इक जर्नल जां इत्थे एग्जाम्पल समझानी आ जिहदे नाल तुसीं अगर जर्नल कॉन्सैप्ट समझ गए तां तुसीं कोई भी एग्जाम्पल फिट करके ठीक है उहदे एसिडिक करैक्टर नूं एक्सप्लेन कर सकदे हो देखो बेटा फिनोल की हुंदा बेंजीन रिंग दे उपर की लग्या होवे OH ग्रुप लग्या होया होवे ठीक है ते इत्थे आपां की लगाता कोई भी सबस्टिट्यूएंट लगाता Z इज एनी सबस्टिट्यूएंट तां मैं इत्थे Z नूं थोड़ा जिहा दस दवां तुहानूं कि Z कोई भी सबस्टिट्यूएंट हो सकदा जिहदे विच आपां बेसिकली इहनूं दो पार्ट दे विच डिवाइड कर सकदे आ इह कोई इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकदा ते इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी हो सकदा इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग दा मीनिंग तां समझदे हो विदड्रॉ दा मतलब की करना कि इलैक्ट्रॉन खिच्चण वाला ग्रुप हो सकदा ठीक है ते नाल ही की हो सकदा इह इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी हो सकता जा फिर कोई इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग दा मीनिंग की होगा कि इलैक्ट्रॉन देन वाला हो जो रिंग नूं इलैक्ट्रॉन दे रहा हो ठीक है ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਆ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਲਾਈਕ ਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਜੇ ਨਾਈਟਰੋ ਗਰੁੱਪ ਨਾਈਟਰੋ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ CHO ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਆ ਗਿਆ ਰਜੇ COOH ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ ਮਿਥਾਇਲ ਗਰੁੱਪ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ C2H5A ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਥੋਕਸੀ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ੈਡ ਕੈਨ ਬੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਫਿਨੋਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ੈਡ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾਈਟਰੋ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀਟੋਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਬੋਲੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਲਾਈਕ ਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ CH3 ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ OCH3 ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ C2H5 ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਨੇਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲੋਜਨਸ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਜੇ ਇਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਬਟ ਜਦੋਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਆਗਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦਾ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਿਥਾਇਲ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟਰਸ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਆ
हुण देखो चाहे इलैक्ट्रॉन लीजिंग लग्या होवे चाहे इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग लग्या होवे तां उत्थे तुसीं ने किद्दां कॉन्सैप्ट नूं अपलाई करना। अपने की चीज चेक करनी है कि एक साइड से अपने को इलैक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप है एक इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इन्होंने दोवां दे विचों स्ट्रोंग एसिड केड़ा। हुण एसिड वह हुंदा जी जिहड़ा जल्दी एच पॉजिटिव नूं की कर देवे रिलीज कर देवे, मतलब अपने को दोवें केसिस दे विच एच पॉजिटिव रिलीज होना चाहिए। बट जल्दी केड़ा एच पॉजिटिव रिलीज करूगा, तो देखो जल्दी वह एच पॉजिटिव रिलीज करूगा जिदा ए बॉन्ड की होगा वीक होगा, ठीक है राजे, मतलब ऑक्सीजन ते हाइड्रोजन का बॉन्ड की होना चाहिए वीक होना चाहिए। हुण बेसिकली ऑक्सीजन ते हाइड्रोजन का बॉन्ड कदों वीक होगा, जदों ऑक्सीजन अपने इलैक्ट्रॉन्स ज्यादा इलैक्ट्रोनेगेटिव होने करके इलैक्ट्रॉन्स नूं अपने वल की करूगी अट्रैक्ट करूगी, ठीक है। हुण इस केस दे विच वी ऑक्सीजन ते हाइड्रोजन है ये भी इलैक्ट्रोनेगेटिव होने करके इलैक्ट्रॉन नूं अपने वल की करूगी अट्रैक्ट करूगी, ठीक है। बट नीचे ग्रुप लगन दे नाल कुछ इस दे विच चेंजेस आ जांदियां ने, जे तां होया नीचे इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। हुण इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होने करके ये सारे रिंग तों इलैक्ट्रॉन लै लूगा, ठीक है, अक्सैप्ट करूगा। तो जिवें ही रिंग तों इलैक्ट्रॉन अक्सैप्ट करूगा तो जिहड़ी बेंजीन रिंग है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। तो हुण रिंग कोले की ऑप्शन है कि अपने इलैक्ट्रॉन किस तो कंप्लीट करूगी ये ऑक्सीजन तो, ठीक है। तो इन्हें इलैक्ट्रॉन किस तो लै लेने ने ऑक्सीजन तो लै लेने ने, ठीक है। ऑक्सीजन अपने इलैक्ट्रॉन किस तो कंप्लीट करूगी हाइड्रोजन तो, ठीक है। तो जिसके करके इत्थे जिहड़ा बॉन्ड है ज्यादा पोलर हो जाएगा, ठीक है राजे। तो बॉन्ड की जिन्नी ज्यादा पोलैरिटी होंगी है उन्ना बॉन्ड ईजी ब्रेक हो जाता, तो इस केस के इत्थे जल्दी एच पॉजिटिव रिलीज हो जाना, ठीक है। हुण इस केस के आ जाओ ये की है इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। हुण रिलीजिंग का मतलब की होया भी यह रिंग नूं इलैक्ट्रॉन दे रहा, अगर रिंग नूं यह इलैक्ट्रॉन दे रहा तो यदा मतलब रिंग कोल जो इलैक्ट्रॉन्स ने गे ज्यादा हो जाएंगे, तो रिंग अपने इलैक्ट्रॉन किसनों दे दूगी ऑक्सीजन नूं, तो ऑक्सीजन की जो इलैक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी सी इलैक्ट्रॉन नैगेटिविटी करके जो इन्हें इलैक्ट्रॉन एक्सैप्ट करने से किधरों एक्सैप्ट कर रही है रिंग कोलों, ठीक है। तो ऑक्सीजन नूं की जरूरत पी है इधरों हाइड्रोजन तो इलैक्ट्रॉन एक्सैप्ट करन दी, तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन तो इलैक्ट्रॉन नहीं लैने, तो इट मीनस इत्थे जिहड़ा बॉन्ड है वह वीक नहीं होगा। अगर बॉन्ड वीक नहीं हो रहा तो इत्थे जल्दी एच पॉजिटिव आयनस रिलीज नहीं होंगे, क्लीयर। तो जो भी बेटा कितने इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लग रहा हो, फिर चाहे वह नाइट्रो ग्रुप हो, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड या कोई एसीटोन का ग्रुप हो, ठीक है, तो उस केस के अपने को होगा एसिडोफिनोन हो, तो उस केस के अपने को होगा कि इलैक्ट्रॉन जल्दी एक्सैप्ट करके ऑक्सीजन इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने करके जल्दी एच पॉजिटिव आयंस नूं रिलीज कर दो, ठीक है। बट इस केस के हो रहा है कि यह वीक एसिड होंगे ने क्योंकि इतने इलैक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप लगे होंगे, तो कोई भी इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लग रहे हो हमेशा की होंगे स्ट्रोंग एसिड, तो इलैक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप लग रहा हो हमेशा की होंगे वीक एसिड, ठीक है। तो हम इसका क्वेश्चन तुम्हें की पूछा जा सकता कि आउट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनोल, सपोज इदा क्वेश्चन आया तुहानू आउट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनोल, ते एक क्वेश्चन आया तुहानू ते पैरा मिथॉक्सीफिनोल, ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनोल ते क्वेश्चन की आया पैरा मिथॉक्सीफिनोल विच इज द स्ट्रोंग एसिड, एक पैरा नाइट्रोफिनोल आ एक पैरा मिथॉक्सीफिनोल आ, इन्हां दोनों दे विचों स्ट्रोंग एसिड केड़ा ते क्यों आ, ठीक है, ये तुसीं ने कमेंट बॉक्स दे विच रिप्लाई करना, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यह अपने को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीगा बेटा, एसिडिक करैक्टर का इफेक्ट और सबसिट्यूएंट्स का। उस तो बाद आप हूँ रिएक्शन कर रहे हैं, याद करो मैं तुम्हें दसिया फिनोल दी रिएक्शन आप तीन पार्ट के डिस्कस करा, सब तो पहला पार्ट चल रहा है रिएक्शन ऑफ ओ एच ग्रुप, ठीक है। तो ओ एच ग्रुप के अंडर ये जिहड़ी रिएक्शन कीतिया ने इहदे के दो तीन आपां ने रीजनिंग क्वेश्चन किए ने। हुण आपां पहली रिएक्शन आपां सोडियम नाल कीती सीगी, हुण आपां नैक्सट रिएक्शन करते हैं रिएक्शन विद जिंक डस्ट, काफ़ी बार आ चुकी है रिएक्शन, ठीक है। जस्ट बस एदा फिनोल पा के एरो के उपर जिंक डस्ट पा देते हैं, ठीक है, नाल हीट पा देते हैं, तो कहा जाता जी प्रोडक्ट लिखो इसते की ने, ठीक है। तो इसके प्रोडक्ट की आते हैं बेटा जिंक जो हो ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लूगी, जस्ट अपने को रह जाना इतने बेंजीन रह जानी है, ठीक है, कि बन के आ जाना जिंक ऑक्साइड। तो फिनोल तो बेंजीन बनाने का भी मैथड है ही, ठीक है, फिनोल तो बेंजीन बनाने का मैथड है रजे, ये जिंक ऑक्साइड आ जाता होंगे अपने को, ठीक है। तो फिनोल टू बेंजीन इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता, जो क्वेश्चन की आता होंगे वट हैपन्स वैन फिनोल इज ट्रीटड विद जिंक, वट हैपन्स वैन फिनोल इज ट्रीटड विद जिंक, ओके। नैक्सट रिएक्शन आप इस करते हैं राजे कि फिनोल अपने ट्रीट करवाया किसी अमोनिया के नाल, फिनोल किसी ट्रीट करवा रहे अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला तो सारे जानते हो NH3 का फॉर्मूला होंगे अमोनिया का, ठीक है। तो जो आप इसको ट्रीट करवाने गए तो इतने इस केस के
एक एच ग्रुप ते एक ओ एच ग्रुप वाटर रिलीज हो जाता तो जस्ट बेंजीन रिंग के उपर के ग्रुप लग जाता एन एच टू ग्रुप एन एच टू ग्रुप तो एच टू ओ ग्रुप रिलीज हो जाता ठीक है। बट इस हल्किया जो कंडीशन अगर याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड एनहाइड्रस जिंक कोलाइड पेगा तो 675 कैलविन टैंपरेचर पेगा ठीक है। अगर नहीं भी याद रही तो भी कोई इश्यू नहीं है बेटा तो देखो ये अपने को इसकी कन्वर्जन होगी फिनोल टू एनिलीन की बन के आ गया है फिनोल टू एनिलीन ओके। इस अलावा स्टूडेंट्स और बहुत सारिया एग्जाम्पल्स नेगियां ठीक है। इस दे विच अपा एसाइलेशन एसिटाइलेशन फ्राइज रीअरेंजमेंट अपा नेक्स्ट रिएक्शंस अपा उत्थे भी करांगे ठीक है तो मैं उत्थे ही डिस्कस करवाऊंगी। हुण अपा सैकेंड कैटेगरी दी रिएक्शंस करदी आ रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग हुण मतलब अपा किहदी रिएक्शंस करन जा रहे हैं बेंजीन रिंग दी रिएक्शंस करन जा रहे हैं। हुण बेंजीन रिंग दी रिएक्शंस दे विच काफी इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है कि अपने कोल बेंजीन रिंग दे उत्ते अपा रिएक्शंस करवावांगे ये अपने कोल हैगा जी फिनोल ठीक है। फिनोल दे विच अपा किसी एडिशन करवा रहे हैं ब्रोमीन दी फिनोल दे विच किसी एडिशन करवा रहे हैं ब्रोमीन दी बी आर टू दी इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड ठीक है। तो इतने अपने को ब्रोमीनेशन हो जानी है सपोज इतने बेंजीन के उपर ओ एच ग्रुप लग जाना तो तुम्हें पता भी जो ओ एच ग्रुप आ गया यह ऑर्थो ते पैरा डायरेक्टिंग आता करके अपने को प्रोडक्ट कि पोजिशन से आने कि एक बार ब्रोमीन ऑर्थो पोजिशन से लग जानी है तो एक बार ब्रोमीन पैरा पोजिशन से लग जानी है ठीक है। जिन्होंने आप कहेंगे ऑर्थो ब्रोमोफिनोल इसका नाम की है ऑर्थो ब्रोमोफिनोल ऑर्थो ब्रोमोफिनोल तो इसका नाम क्या आजगा पैरा ब्रोमोफिनोल ठीक है। ऑर्थो ब्रोमोफिनोल तो पैरा ब्रोमोफिनोल क्लीयर है बेटा। हुण देखो जो आप कार्बन डाइसल्फाइड पावांगे तो अपने को ब्रोमीन ऑर्थो तो पैरा पोजिशन से लगनी आ। एक होर इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ ठीक है जी मोस्टली एग्जाम के आ जाते तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पजल होंगे ने रजे तो उत्थे वो ऑर्थो के पैरा प्रोडक्ट ही बना के आते हैं। दैट इज़ द कि अगर तुहानू फिनोल दे विच पा के ठीक है ब्रोमीन की एडिशन करवाई हो बी आर टू दी ठीक है तो एक्स ब्रोमीन ठीक है मतलब नाल एक्स पाया हो जा फिर की लिखा हो वाटर लिखा हुआ हो ठीक है। तो इतने आप ब्रोमीन जी पा रहे हैं वह एक्सैस के पा रहे हैं ठीक है एक्स वाली ब्रोमीन पा रहे हैं तो एक्सैस पा रहे हैं। इस केस के जो थोड़े को प्रोडक्ट बन के आने बेटा ठीक है उस अपने को ब्रोमीन सारिया ऑर्थो तो पैरा पोजिशन उत्ते लगू इको ही रिंग दिया सारिया ऑर्थो तो पैरा पोजिशन उत्ते अटैच हो जूगा जिन्हों आप कह सकते हैं आ पोजिशन फस्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ठीक है की कहेंगे इन टू फोर सिक्स ट्राई ब्रोमोफिनोल टू फोर सिक्स ट्राई ब्रोमोफिनोल टू फोर सिक्स ट्राई ब्रोमोफिनोल जिससे कि वाइट प्रेसिपिटेट्स आते हैं वाइट पीपीटी आते हैं ठीक है। तो देखो ब्रोमीन की रिएक्शन तुम दोवें तरीके की मैं तुम्हें इतने दोवें जो पहला रिएक्शन करवाई आ ठीक है तो जो हम रिएक्शन करवाई हैगी दोवें केसिस मैं तुम्हें इतने समराइज करवा देनी है बेटा। ब्रोमीन की एडिशन करवाई अगर तो पाया कार्बन डाइसल्फाइड सी एस टू की एडिशन करवाई आ जा फिर पाया एक्स ठीक है मतलब जा फिर इतने एक्सैस के लिखा हुआ ब्रोमीन जे तो कार्बन डाइसल्फाइड पाया फिर तो सिर्फ ऑर्थो तो पैरा प्रोडक्ट बन के आने ठीक है जिम्मे मैं पिछले रिएक्शन करवाए थे। अगर एक्स से एक्सैस के करवाया फिर थोड़े को प्रोडक्ट की बन के आऊगा टू फोर सिक्स ट्राई ब्रोमो फिनोल ठीक है टू फोर सिक्स ट्राई ब्रोमो फिनोल ठीक है। स्टूडेंट्स तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इतने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी कंपेरिजन होना तो बहुत जरूरी है। उस तो बाद बेंजीन रिंग के रिएक्शन आप ब्रोमीन के नाल रिएक्शन कर चुके हैं ठीक है जी। हुण इहदियां होर भी बहुत सारिया रिएक्शन ने गियां जिथे तुसीं नंबर ऑफ रिएक्शन मैं तुहानूं इत्थे कंपेरिजन के नाल ही करवा देनी है कि फिनोल आ फिनोल दे विच आपां एडिशन करवा रहे सपोज एक तो आप इतने ब्रोमीन की एडिशन करवा चुके हैं ठीक है जिन्होंने आप ब्रोमीनेशन कह दें ठीक है। इतने मैं तुम्हें प्रोडक्ट्स भी दस दनी हाँ प्रोडक्ट्स वैसे तुम चैक करना भी तुम्हें एक्सैस के दिता हुआ या फिर नाल कार्बन डाइसल्फाइड पाई हुई है ठीक है। तो इस केस के अपने को प्रोडक्ट्स बन के आ रहे हैं ब्रोमीन ऑर्थो तो पैरा पोजिशन आ रही है जिन्होंने आप कह देने होंगे ब्रोमीनेशन ठीक है। रिएक्शन का नाम की है बेटा जी ब्रोमीनेशन 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 ठीक है। उस तो बाद हम अपना नैक्सट की करते हैं कि अपने को इदा ही सेम सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड के नाल रिएक्शन आती है नाइट्रिक एसिड के नाल ठीक है। हुण इससे भी दो केस ने गे ठीक है एक एक्सैस के भी हो सकती है तो एक अपने को कार्बन डाइसल्फाइड भी हो सकती है। इदा ही सेम बेटा इतने नाइट्रिक एसिड के भी दो केस ने ठीक है
हुण ज्यादा नाइट्रिक एसिड तुहानू लिखिया होवे ब्रैकेट दे विच डिल्यूट ओ तुसी चेक करना वी डिल्यूट लिखिया होया जां फिर नाइट्रिक एसिड कॉन्सनट्रेटेड लिखिया होया ठीक है। अगर तां डिल्यूट नाइट्रिक एसिड लिखिया होया तां इहदा मतलब अपने कोले नाइट्रिक एसिड दे विच घट अमाउंट दे विच नाइट्रो ग्रुप ठीक है तां सिर्फ अपने कोले ऑर्थो ते पैरा पोजीशन ते ही प्रोडक्ट्स आउणगे ठीक है। कित्थे प्रोडक्ट्स आउणगे ऑर्थो ते पैरा पोजीशन दी तां रिंग दे उपर नाइट्रो ग्रुप दा ऐड होना इहनूं आपां की कहिंदे हुंदे आ नाइट्रेशन। हुण अगर सेम रिएक्शन आ फिनोल आ नाइट्रिक एसिड भी आ बट नाल वर्ड की पाता कंसनट्रेटेड ठीक है। अगर कंसनट्रेटेड नाल वर्ड पाता तां तुहाडे कोल प्रोडक्ट्स की बन के आउणगे इको ही ग्रुप दे ऑर्थो पोजीशन ते पैरा पोजीशन दे उत्ते केड़ा ग्रुप लग जाना नाइट्रो ग्रुप लग जाना ठीक है जिहनूं आपां की कहांगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल 2,4,6 ट्राई नाइट्रो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल ठीक है। जिससे कि रजे इनू पिक्रिक एसिड भी कहा जाता काफी फेमस है हायर क्लासेस दे विच पार्टिकल्स दे विच इहदी सिंथेसिस दा मेथड भी आंदा बेटा पिक्रिक एसिड दा तां इहनूं आपां पिक्रिक एसिड भी कह सकदे आ ठीक है। तां तुसीं याद रखना कि पिक्रिक एसिड जितों आया फिनोल तों पिक्रिक एसिड दा तुसीं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दी एडिशन करवानी है ठीक है। जां फिर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिखिया होया आया तां तुहानूं इत्थे प्रोडक्ट्स दे विच पिक्रिक एसिड बनाउणा पैणा क्लियर है स्टूडेंट्स। फिर उस तों बाद नैक्सट आ जांदा बेटा अपने कोल इत्थे इहदी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन दे विच की हुंदा कि आपां इस विच एडिशन करवा रहे हां सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ठीक है ते नाल इस दे विच नाइट्रिक एसिड दी भी एडिशन करवाई जांदी है क्योंकि नाइट्रिक एसिड दे नाल ही इत्थे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुंदा तां आपां इत्थे प्रोडक्ट्स की लिखांगे कि अपने कोले ऑर्थो ते पैरा पोजीशन उते केड़ा ग्रुप आ जाना सल्फोनेट ग्रुप। इस दा कोई ऐसा अलग तो कॉन्सेप्ट नहीं हैगा जिवें उपर वाले दो क्वेश्चंस दा कॉन्सेप्ट हैगा कि कंसनट्रेटेड आ जां डिल्यूट आ इदां कोई कॉन्सेप्ट नहीं। इस विच ऑर्थो ते पैरा पोजीशन दे उते ही सल्फोनेट ग्रुप लगदा इस नूं आपां की कह देने हुंदे आ सल्फोनेशन। की कह देने हुंदे आ बेटा सल्फोनेशन ओके। उस तों बाद नैक्सट अपने कोल फ्रीडलक्राफ्ट अलकाइलेशन असाइलेशन तुहानूं याद होवे मैं तुहानूं पहला हैलो अरेंज दे विच भी करवाईआं सीगीआं रिएक्शनस ठीक है। अगर आपां अलकाइलेशन कर रहे हां तां CH3Cl ग्रुप तां अपने कोल अलकाइल ग्रुप कित्थे आ जाणा ऑर्थो पोजीशन ते आ जाणा ठीक है जां फिर कित्थे आ जाणा पैरा पोजीशन ते आ जाणा ते अलकाइल ग्रुप दा रिंग दे उपर ऐड होण नूं आपां की कह देने हुंदे आ अलकाइलेशन। दिस इज कॉल्ड द फ्रीडलक्राफ्ट अलकाइलेशन जां फिर फ्रीडलक्राफ्ट अलकाइलेशन कहा जाता जे असाइल ग्रुप हुंदा तां असाइलेशन कहा जाता ठीक है। असाइलेशन दे विच की हुंदा बेटा CH3C डबल बॉन्ड ओ Cl ग्रुप हुंदा ठीक है। तो उस केस दे विच अपने कोल केड़ा ग्रुप जाके ऐड होना सीगा COCH3 ग्रुप ठीक है तां की हुंदा इह अपने कोल असाइलेशन हुंदा क्लीयर स्टूडेंट्स। तो यह सीगा अपने कोल कुछ इंपॉर्टेंट बेंजीन रिंग दियां सब्सटीट्यूशन रिएक्शनस ब्रोमिनेशन नाइट्रेशन इन्हां दा दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सी याद रखने ने। दैन उस तों बाद सल्फोनेशन अलकाइलेशन असाइलेशन लॉट ऑफ रिएक्शनस रहिंदियां ठीक है। तो अपने कोल सैकेंड कैटेगरी दियां जिहड़ियां रिएक्शन सीगियां ओह कंप्लीट हो चुकियां ने ओके। हुण आपां नैक्सट स्टार्ट करन जा रहे हां जी स्पैशल रिएक्शनस ठीक है। मैं तुहानूं स्टार्टिंग तों दस्सिया सी कि वाकई रिएक्शनस बहुत स्पैशल नेगियां ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ने बहुत बार आ चुकिया ने बेटा एग्जाम्स दे विच हार्डली 2 नंबर जां 3 नंबर दी रिएक्शन आंदी है ठीक है। जिथे रिएक्शन थोड़ियां जे लेंथी भी ने जिन्नियां आपां हुण तक रिएक्शनस कीतियां ने तां इन्हां स्पैशल रिएक्शनस दे विच आपां सब तों पहलां सारियां ही नेमिंग रिएक्शनस ने बेटा सब तों पहलां आपां इस दियां नेमिंग रिएक्शनस ही डिस्कस करदे हां। जिवें कि सब तों इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैगी आ कोब्स रिएक्शन ठीक है। कीहड़ी रिएक्शन आ कोब्स रिएक्शन कोब्स रिएक्शन कोब्स रिएक्शन दे विच बेसिकली की हुंदा पहले मैं तुहानूं रिएक्शन दस्सदी हां कि अपने कोल सिंपल फिनोल दे विच एडिशन करवाई जांदी है सोडियम हाइड्रोक्साइड दी सोडियम हाइड्रोक्साइड दी ते इस दे नाल ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जांदी आ ते नाल कंडीशनस रखियां जांदियां ने बेटा 400 केल्विन टैंपरेचर 400 केल्विन टैंपरेचर ते 6-7 एटमोसफियर प्रेशर 4-7 एटमोसफियर प्रेशर ठीक है। तो हुण देखो इत्थे अपने कोल जो प्रोडक्ट्स बन के आंदे ने ठीक है वो प्रोडक्ट्स केड़े बन के आंदे ने बेटा अपने कोल सैलिसिलिक एसिड प्रोडक्ट केड़ा बन के आंदा इत्थे सैलिसिलिक एसिड। तो यह सिंपल जनरल रिएक्शन आ जिस दे विच आपां फिनोल एक क्वेश्चन इदां भी आ सकदा फिनोल टू सैलिसिलिक एसिड फिनोल टू सैलिसिलिक एसिड ठीक है। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता जां फिर क्वेश्चन आ सकता गा एक्सप्लेन कोब्स रिएक्शन जां फिर थर्ड क्वेश्चन क्या आ सकता कि फिनोल पाके ठीक है वह तुहानूं आ कंडीशनस दे देण ते तुहानूं कहण कि इसका प्रोडक्ट दसो जी की आ। तीन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या आ सकता एक्सप्लेन कोब्स रिएक्शन
ठीक है, जब डिस्क्राइब का ऑब्जेक्शन, दूसरा क्वेश्चन की आ सकता फिनोल टू सैलिसिलिक एसिड, जब थर्ड क्वेश्चन की आ सकता फिनोल देके ते तुहानू कंडीशंस दे देण प्रोडक्ट तुसी खुद जनरेट करना होवे। ठीक है, तो तिने क्वेश्चन चो जिहड़ा मर्जी क्वेश्चन आ रहा उन्हां दा आंसर इक्को ही है बेटा। ठीक है, तो मैं हुण रिएक्शन नूं डिटेल च करवाण जा रही हां। तो रिएक्शन की डिटेल की है कि इत्थे अपने कोल बेसिकली रिएक्शन की डिटेल की होगी कि आप सब तो पहला फिनोल ग्रुप लिया, बेंजीनिंग के उपर ओ एच ग्रुप लग रहा है, तो इस किसी एडिशन करवाई है राजे सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड की एडिशन करवाने के सब तो पहला इतने अपने को बन के आना सोडियम फिनोक्साइड, की एडिशन होनी है सोडियम फिनोक्साइड की। फिर उस तो बाद सोडियम फिनोक्साइड एडिशन किसी करवा रहे हैं सीओ टू, सीओ टू इस का कार्बन डाइऑक्साइड, ये जी सीओ टू ग्रुप आ गया ये इतने जाके एड हो जाना। ठीक है, तो अपने को प्रोडक्ट्स की बन के आने गए ओ तो है ही सी ऑलरेडी सी ओ ओ मतलब सीओ टू ग्रुप एड हो गया तो एन ए ग्रुप नाल लग गया। ठीक है, हुण यह जिहड़ा ओ सी ओ एन ए ग्रुप आ गया ये रीअरेंजमेंट होके कित्थे आ सकदा ऑर्थो पोजिशन से जां फिर पैरा पोजिशन से जा सकदा। ठीक है, बट इत्थे इहदे कोल ऑर्थो पोजिशन जिहड़ी बिल्कुल नेड़े आ ए वाला एच शिफ्ट होके इस दे नाल लग जाना। ठीक है, तो इस साइड के उत्ते की लग जाना बेटा सी ओ ओ एन ए, सी ओ एन ए। ठीक है, उस तो बाद ये अपने को बन के आ गया किहड़ा स्टैप आ गया राजे इत्थे आपां रीअरेंजमेंट की कह सकते हैं भी की होई है इत्थे रीअरेंजमेंट हुई है क्योंकि कोई न्यू स्टैप तो होया नहीं है, रीअरेंजमेंट हुई है जो पुराने अपने को मॉलिक्यूल्स अटैच हो हुए हैं। दैन उस तो बाद इस एडिशन करवा देंगे डिल्यूट एच सी एल की, डिल्यूट एच सी एल एडिशन करवाने के नाल एन ए सी एल ग्रुप रिलीज हो जाएगा तो अपने को प्रोडक्ट्स की बन के आने बेंजीन रिंग के उपर ओ एच ग्रुप, ठीक है, तो सी ओ ओ एच ग्रुप। ठीक है, क्योंकि एन ए सी एल ग्रुप रिलीज हो गया इतने एन ए सी एल, तो जो ए एच है कि जगह से जाके लग जाना एन ए की जगह पर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सैलिसिलिक एसिड, आपने की कह देने सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अजी कि रिएक्शन आ गई अपने को कोब्स रिएक्शन, क्लीयर है स्टूडेंट्स। फिर उस तो बाद बेटा आप कोब्स रिएक्शन तो बाद नैक्सट रिएक्शन करते हैं दैट इज कॉल्ड द रिमर टाइमर रिएक्शन। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिमर टाइमन रिएक्शन, रिमर टाइमन रिएक्शन, रिमर टाइमर रिएक्शन। ठीक है, पहले मैं तुम्हें इसकी एक जनरल एग्जाम्पल करवानी है रिमर टाइमर रिएक्शन के बेसिकली आप इस हाइड्रोलिसिस करते हैं बेटा फिनोल की ही रिएक्शन आ ये फिनोल लिया जाता। ठीक है, इस एडिशन किसकी करवाई जाती है फिनोल लैके क्लोरोफॉर्म की। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला की होंगे सी एच सी एल थ्री, तो कंडीशन तुम्हें याद रखनिया पैनिया ने इतने कंडीशन की दी आप करवाओगे 340 केल्विन टैंपरेचर। ठीक है, रखना तो नाल आपने एन ओ एच की एडिशन करवानी है। ठीक है, तो अपने को जो इतने प्रोडक्ट्स बन के आने बेटा वह भी सेम की बन के आऊगा इतने सैलिसिलडीहाइड। ठीक है, किसी एडिशन के प्रोडक्ट बन के आऊगा अपने को इतने सैलिसिलडीहाइड। ठीक है, ओ एच ग्रुप से सी एच ग्रुप, सैलिसिलिक एसिड भी बनता इतने जो आप क्लोरोफॉर्म की जगह से सी सी एल फोर पा लीए। ठीक है, तो सैलिसिलडीहाइड, सैलिसिलडीहाइड। ठीक है, प्रोडक्ट बन के आऊगा। हुण देखो बेटा रिएक्शन किदा होंगी आ, सेम स्टैप बाय स्टैप आप रिएक्शन करते हैं ओ एच ग्रुप आ जी। ठीक है, पहला आप इस एडिशन करवा रहे हैं एन ओ एच की, तो एन ओ एच की एडिशन करवाने अपने को बन जाना इतने सोडियम फिनोक्साइड ओ एन ए। ठीक है, फिर उस तो बाद आप इस एडिशन करवा रहे हैं क्लोरोफॉर्म की, हम क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला की होंगे बेटा सी एच सी एल थ्री। ठीक है, तो इतने अपने को आऊगा सी एच सी एल थ्री। ठीक है, ये अपने को क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला जिस दे विचो एक एच ते एक सी एल ग्रुप इधरों बाहर चला गया। ठीक है, तो अपने को प्रोडक्ट्स की बन के आ जाएंगे ओ एन ए। ठीक है जी, दैन उस तो बाद की आ गया इस नाल सी एल ग्रुप, अगेन सी एल ग्रुप ते एच ग्रुप आ ही रह गया। ठीक है, एच सी एल ग्रुप के इतों बाहर चला गया। हुण देखो उस तो बाद नैक्सट स्टैप के एडिशन करवाई जाते बेटा एन ए ओ एच की, एन ए ओ एच की, तो टू मॉलीक्यूल्स ऑफ एन ए सी एल बाहर जाएंगे, टू मॉलीक्यूल्स ऑफ एन ए सी एल बाहर जाएंगे, तो जितों सी एल ग्रुप जा रहे हैं उसकी जगह पर किहड़े ग्रुप लग जाने ने ओ एच ग्रुप। ठीक है, तो इतने अपने को प्रोडक्ट्स बन के आने ने ओ एन ए ग्रुप, दैन उस तो बाद सी दे नाल एच ग्रुप, इस साइड के उत्ते की लग गया ओ एच ग्रुप, अगेन इस साइड पर भी की लग गया ओ एच ग्रुप। ठीक है, फिर उस तो बाद नैक्सट हूँ यह इको ही कार्बन उत्ते दो ओ एच अनस्टेबल होंगे ने, तो इतों की रिलीज हो जाना वाटर एच टू ओ बाहर चला जाऊगा। ठीक है जी, तो अपने को प्रोडक्ट्स की बन के आएंगे
ओ एन ए ग्रुप, दैन उस तो बाद एक कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होया, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ब्रेक होया, तो कार्बन के ऑक्सीजन का आपस डबल बॉन्ड आ जाना, क्लीयर एच। तो उस तो बाद नैक्सट आप इस एडिशन करवा देंगे एच सी एल की, तो अपने को प्रोडक्ट्स की बन के आएंगे, तो एन ए सी एल ग्रुप रिलीज हो जूगा, तो ओ एच ग्रुप एड हो जूगा, तो इतने की लग गया है सी एच ग्रुप। दिस इज कॉल्ड द सैलिसलडीहाइड, सैलिसलडीहाइड, क्लीयर है सबनों, सैलिसलडीहाइड। ठीक है राजे, तो ये अपने को रिमन टाइमर रिएक्शन जिथे आप की यूज कर देंगे फिनोल दे विच क्लोरोफॉर्म दी एडिशन करवा के आप सैलिसलडीहाइड दी फॉर्मेशन कर सकते हैं। हाँ, अगर तुसी सी सी एल फोर मतलब कार्बन टैट्राक्लोराइड की एडिशन करवाने हो, ठीक है, तो की बन के आ जाना सैलिसिलिक एसिड। फिर बस जस्ट बेटा सी सी एल फोर इतने सारे चारों सी एल होंगे, ठीक है, सी सी एल फोर का फॉर्मूला होंगे ना कार्बन टैट्राक्लोराइड, तो वह भी रिमन टाइमर रिएक्शन आ। अगर कार्बन टैट्राक्लोराइड लिखा हुआ आ गया या फिर सी सी एल फोर एदा लिखा हुआ रजे, तो कोई डिफरेंस नहीं है रिएक्शन च बेटा, बस इतने एच की जगह से अपने को आ जाना सी एल ग्रुप आ जाना, तो इतने दो की जगह से बस तीन ग्रुप आ जाएंगे, फिर तिने ओ एच ग्रुप लग जाएंगे, ठीक है, इतने भी एक ओ एच ग्रुप लग जाओ, मतलब इतने अपने को कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाना, ठीक है, तो वह कि रिएक्शन होगी, वो भी रिमन टाइमर रिएक्शन आ। क्लीयर है स्टूडेंट्स? दैन उस तो बाद आप नैक्सट रिएक्शन कर देंगे, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड द कपलिंग रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भी, कि रिएक्शन आप कर जा रहे हैं कपलिंग रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन कि कपलिंग रिएक्शन, थोड़ा जा नाम तो ही क्लीयर हो रहा कि कपलिंग रिएक्शन दे विच बेसिकली की होगा बेटा, कपलिंग रिएक्शन दे विच अपने कोले दो रिंग्स आ जाएंगियां, दो रिंग, ठीक है, जिस दे विच अपा कपल करवावांगे, पहली रिंग केड़ी होगी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, जानते हो नू बेंजीनिंग दे उपर एन टू सी एल ग्रुप लग्या होवे, दिस इज कॉल्ड द बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट आप इस एडिशन करवा रहे हैं कि होर फिनोल की, हूँ फिनोल की होंगे बेंजीन रिंग उपर के ग्रुप लग्या हो ओ एच ग्रुप, ठीक है, तो यह बॉन्ड रिएक्शन शो करने वास्ते आप इतने एच ग्रुप लगाता, इस एच से सी एल ग्रुप बाहर चला जाता। कंडीशन की होगी बेटा, इतने अपने को 0 to 5 डिग्री सैलसियस टैंपरेचर होना चाहिए, तो हूँ इसका एच बाहर चला गया तो दोवें रिंग आपस कपल हो, ठीक है, मतलब कंबाइन हो गया, तो एन टू, ठीक है, दैन उस तो बाद इस साइड के उत्ते की आ गया अपने को ओ एच ग्रुप आ गया, ठीक है, तो यही की बन के आ गई एजो डाई बन के आ गई, एजो डाई जिहड़ा कि ऑरेंज कलर की होंगी है, ऑरेंज कलर एजो डाई बन के आती है जिहड़ी कि ऑरेंज कलर की होंगी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच इज कॉल्ड द कपलिंग रिएक्शन, ठीक है, तो हम बस अपनी लास्ट रिएक्शन आप कर जा रहे हैं, दैट इज द फिनोल टू फिनोल फैथलीन, ये भी क्वेश्चन बहुत बारी आ चुके हैं, फोर्थ रिएक्शन कर जा रहे हैं बेटा आप फिनोल टू फिनोल फैथलीन, फिनोल टू फिनोल फैथलीन, ठीक है, फिनोल टू फिनोल फैथलीन। हूँ देखो पहला फिनोल नू फिनोल फैथलीन च किदा कन्वर्ट करना, फिनोल फैथलीन तो सुनिया होना बहुत इंपॉर्टेंट इंडीकेटर आ बेटा, है जरा पैटिकल्स के यूज करते होंगे कि रिएक्शन कंप्लीट होगी या नहीं होगी, तो इंडीकेटर आ फिनोल फैथलीन, ठीक है, आप किस तरह बनावे फिनोल फैथलीन, इस एडिशन करवावे थैलिक अनहाइड्राइड की, किसी एडिशन करवावे थैलिक अनहाइड्राइड, थैलिक अनहाइड्राइड की होंगे बेंजीन रिंग के उपर सी ओ अनहाइड्राइड ग्रुप लग रहा होनू आप थैलिक अनहाइड्राइड कह दें, ठीक है, इस आप किसी एडिशन करवा रहे हैं फिनोल की एडिशन करवा रहे हैं, तो दो मॉलीक्यूल फिनोल के आप इस एड करा बेंजीन रिंग के उपर इस साइड से भी ओ एच ग्रुप लग रहा, ठीक है, फिर ए एच ग्रुप से यह एच ग्रुप, ठीक है, जो आप इस एडिशन करवावे कंसनट्रेटर सल्फ्यूरिक एसिड की, इट इज़ द बेस्ट डीहाइड्रेटिंग एजेंट, तो इसने की कर देना इतों थैलिक अनहाइड्राइड, ये नाम है तुम्हें दस की है थैलिक अनहाइड्राइड, थैलिक अनहाइड्राइड, थैलिक अनहाइड्राइड, ठीक है, तो ये की आ गया अपने को फिनोल आ गया, ठीक है, थैलिक अनहाइड्राइड से आ गया फिनोल। हूँ आप इस कॉन्सनट्रेटर सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन करवा रहे हैं, तो इतों वाटर रिलीज हो गया, तो देखो अपने को प्रोडक्ट्स किदा बन के आने, ये सेम बेंजीरिंग इस उपर सी डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन, ठीक है जी, इस साइड उत्ते कार्बन होने, कार्बन के दो बॉन्ड ब्रेक हुए ने, यह दोवें बॉन्ड कि बन के आने रिंग्स ना बन के आने, ठीक है, तो इस साइड के उत्ते अपने को आ गया फिनोल आ गया, दैन इस साइड से भी अपने को आ गया बेटा फिनोल ग्रुप लग रहा, ठीक है, दोवें का बॉन्ड कि बन के आना कार्बन के नाल, दिस इज कॉल्ड द फिनोल फैथलीन, इन्हों आप कह दें होंने फिनोल फैथलीन,
क्लीयर है स्टूडेंट्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा फिनोलफेथलीन की यह रिएक्शन। तो इस जी अपने स्पैशल रिएक्शन से कंप्लीट हुई तो नाल ही अपने को जो कैमिकल प्रॉपर्टी से फिनोल दी कंप्लीट हो गई हैं स्टूडेंट्स। तो तुम इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन ने काफ़ी ज़्यादा आदि ने बेटा एग्जाम के उच्च नोट्स बनाई जाना नाल, ठीक है। तो वीडियो वो तो वह लाइक करो, शेयर करो एंड साइंस स्क्रिप्ट के चैनल में सबसक्राइब करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अलॉट बेटा।